प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस अपने नेतृत्व के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक साल एक प्रधानमंत्री के फॉर्मूले पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था अगर हमारे देश में होती है तो दुनिया उपहास करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति ST और OBC से इस हद तक नफरत करती है कि वो अपने सबसे पसंदीदा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में उन्हें मिलने वाला आरक्षण देना चाहती है। भाजपा के दिग्गज नेता ने कांग्रेस पर धर्म निरपेक्षता के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने और सामाजिक न्याय के विचार की हत्या करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट से हरदा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये अहम बात कही और सवाल किया कि क्या मतदाता 5 साल में 5 प्रधानमंत्री फॉर्मूले के लिए तैयार है। उन्होंने इसे विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस का खतरनाक खेल करार दिया है। उन्होंने धन के पुनर्वितरण की कांग्रेस की कथित योजना को लोगों की संपत्ति छीनना बताया और कहा कि पार्टी के शहजादे वायनाड से सांसद राहुल गांधी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये एक सलाहकार ने अब विरासत कर लगाने का सुझाव उनको दे दिया है। सैम पित्रोदा का प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए हुए कहा कि ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, उनकी टिप्पणी का जिक्र दरअसल वो कर रहे थे जिन्होंने धन के पुनर्वितरण के मुद्दे पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए अमेरिका में विरासत टैक्स कानून के बारे में बात की थी, जिस पर खूब सियासत गरमाई। उन्होंने कहा था कि जहां भाजपा के नेतृत्व के मुद्दे पर स्पष्टता है, वहीं इंडिया गठबंधन में इसका अभाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के नेता देश की बागडोर किसे सौंपना चाहते हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि इंडिया गठबंधन के लोगों के बीच एक साल एक प्रधानमंत्री के फॉर्मूले पर चर्चा चल रही है। इसका ये मतलब है कि एक साल में एक प्रधानमंत्री, दूसरे साल में दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरे साल में तीसरा, चौथे साल में चौथा और पांचवें साल में पांचवा प्रधानमंत्री होगा। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी नीलाम करने में व्यस्त हैं। मोदी ने लोगों को इन नेताओं से सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि ये नेता मुंगेरी लाल के सपने जैसे आपको धोखे दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने वहां पर मौजूद लोगों से ये भी पूछा कि जब 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे तो देश का क्या होगा, क्या ये व्यवस्था आपके सपनों को पूरा करेगी और आपके बच्चों के भविष्य की रक्षा करेगी। ऐसी व्यवस्था पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि एक नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा और 4 बाकी कुर्सी का एक एक पैर पकड़कर बैठेंगे और 1 साल खत्म होने का इंतजार करेंगे। मोदी ने यह भी कहा कि मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ, ये बहुत ही डरावना खेल है जो देश को बर्बाद कर देगा। ये सपना सुंदर नहीं है, ये एक ऐसा खेल है जो अपने सपनों को, आपके सपनों को चकनाचूर कर देगा। अपने वोट की ताकत को आप समझें। पीएम ने क्या कुछ कहा इस भाषण में सुनिए। ये लोग इसका जवाब ढूंढ रहे थे, जवाब मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, जिसको किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, पांचवें साल पांचवा PM। बताओ भाई क्या होगा देश का, क्या होगा, क्या होगा, मुझे बताइए, देश बचेगा क्या, आपका सपना बचेगा क्या, आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या। इसका मतलब ये PM की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं। भाई बताइए, जो बोली बलेगा 1 साल बैठेगा और मजा क्या होगा फिर, जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है, उसको हिलाते रहेंगे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।